नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या सऊदी तेल ठुकराना भारत पर भारी पड़ गया है? क्योंकि अब जो भारतीय सऊदी जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए काम करना कठिन हो जाएगा। कारण क्या है? सऊदी अरेबिया ने प्रोफेशन टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है भारतीयों के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए दो न्यूज आर्टिकल। ये न्यूज एक्चुअली मैंने कवर भी की है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है मई के महीने में कि भारत ने इम्पोर्ट किया है रशियन ऑयल मोर देन कंबाइंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इराक। तो यहां पर अगर रशियन इम्पोर्ट्स की बात करें तो 42% रशियन ऑयल इम्पोर्ट किया गया है, जो कि सस्ता पड़ रहा है भारत को, और सऊदी का तेल महंगा है। तो क्या ये प्रभाव, ये जो आया है मैंडेटरी टेस्ट, ये इसका ही प्रभाव है? आइए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में, किन किन प्रोफेशंस के लिए टेस्ट रखा गया है, क्या क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया जो कि लार्जेस्ट इंप्लॉयर है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड इंडियन लेबर्स के लिए, मतलब यहाँ पर जो कामगार है वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड है, प्रोफेशनल्स भी जाते हैं लेकिन अधिकतर जो पॉपुलेशन है या अधिकतर जो कामगार है वो या तो मजदूरी के लिए जाते हैं या इस तरह के जो सेमी स्किल्ड प्रोफेशंस हैं उसके लिए सऊदी जाते हैं। अब सऊदी ने कह दिया है कि वो कंडक्ट करेगा स्किल वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन बिफोर एंडोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट वीजा इन इंडिया। भारतीयों को ये एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलने से पहले एक स्किल वेरिफिकेशन एग्जाम पास करना होगा, जिसको कहा जा रहा है स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट, और ये मैंडेटरी कर दिया गया है कुछ कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए इन द फर्स्ट फेज, और ग्रेजुअली इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा बाकी सभी जॉब्स के लिए भी। यहां मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए शुरुआती फेज में। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इसको सभी जो जॉब्स हैं, जब जो भी जॉब्स वहां पर हैं, जो भी भारतीय जॉब वहां कर रहे हैं, उन सबको देना होगा। नाउ ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया 2021 में। द स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य ये बताया गया है कि ये इसका उद्देश्य है टू एंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आर अलाउड टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। केवल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही सऊदी अरेबिया में काम करें, अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो मतलब क्या ये सऊदी अरेबिया का भारत पर पलटवार है? मत खरीदिए हमारा तेल, हम आपको जो वर्कफोर्स को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम उसमें कटौती कर देंगे। तो यहां पर ये पलटवार की तरह दिख रहा है, क्योंकि 2021 का ये प्रोग्राम अब मैंडेटरी यहां पर कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, उन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में या फिर वो जाकर वहां काम करना चाहते हैं, उनको दोनों रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, ये पास करना होगा। ना ये जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई थी पाकिस्तान में, और अब ये बाकी ऐसे देशों में भी एक्सपैंड हो रहा है जहां पर जो इन्फ्लक्स है अनस्किल्ड लेबरर्स का या वर्कर्स का वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी एक देश है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, कुछ और डिटेल्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLIFE10। नाउ मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हम एक कॉम्बो ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, NCERT बैच प्लस CSAT प्लस अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच, मतलब ये सभी चीजें आपको एक बैच में मिल जाएंगी, एक कोर्स में मिल जाएंगी, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLIFE10, और इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा मात्र 12,000 रुपए। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है हमारी 15 जून से शुरू हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अग्निपथ के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो भी आप एनरोल कर सकते हैं एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफ 7,999 विद माई कोड NDLIFE10। आपको ये कोड यूज करना है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का समुद्र मंथन होने वाला है 11 जून को सुबह 10:30 बजे, इसमें एनरोल कर लीजिए, आप बहुत सारे प्राइजेस यहाँ पर जीत सकते हैं। नाउ इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो टेस्ट है ये रिक्वायर्ड है फिलहाल टोटल 19 प्रोफेशंस पर, जिसमें बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं लोग, इलेक्ट्रीशियंस जो हैं, प्लम्बर्स जो हैं, वेल्डर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड असेंबलर्स जो हैं, मतलब इस तरह के जो सेमी स्किल्ड और यू नो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए फिलहाल ये मैंडेटरी किया गया है इन 19 प्रोफेशंस में एज ऑफ नाउ। यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है उसने भारत में है उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उसने इन्फॉर्म कर दिया रिक्रूटिंग एजेंसीज को अबाउट दिस मैंडेटरी एग्जाम। और यहाँ पर हमें नोट करना जरूरी है कि बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं, जिसमें इंजीनियर्स, आईटी या प्रोफेशनल्स हैं, वो लीगली एंटर कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में इन वीजाज के थ्रू,
जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वीजाज हैं, क्योंकि इस तरह का वीजा जो लेना है ना सऊदी अरेबिया के लिए, वो काफी आसान है, और बाद में वो अपना जॉब वहां पर जाकर जॉब टाइटल चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया ने 2022 में टॉप स्पॉट बैक किया था अमंग दी गल्फ कंट्रीज। बहुत सारे खाड़ी देश हैं जहां पर हमारे जो देश के जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स जाकर काम करते हैं, इन सभी देशों में सऊदी अरेबिया नंबर 1 पर रहा 2022 में, बिकॉज इट ऑफर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स टू इंडियंस। तो सऊदी अरेबिया सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ इंडियन एक्सपैट्स हैं वहां पर जो जॉब करते हैं। 2022 में सऊदी अरेबिया ने लगभग 2 लाख जॉब्स प्रोवाइड की हैं भारतीयों को, और ये दूसरे नंबर पे है आफ्टर यूएई। ठीक है, जहां पर भारतीय जाकर काम करते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि 2021 और 2020 के कंपैरिजन में ये 5 गुना बढ़ गया है, ये वर्कफोर्स जो सऊदी अरेबिया में फिलहाल काम कर रहा है। जहां 2021 में ये आंकड़ा 32,845 था, 2020 में 44,316 था, अब ये बढ़कर लगभग 2 लाख हो चुका है जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ अगर हम नंबर्स की बात करें जो कि मतलब भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग नियरली 50% जो भारत का माइग्रेंट पॉपुलेशन है, मतलब जो भारत से बाहर जाकर काम करते हैं, उनमें से 50% ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन दी गल्फ कंट्रीज। 50% पॉपुलेशन हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी, इसमें से एस्टिमेट लगाया गया है कि 70% जो है वो इंडियन पॉपुलेशन इस रीजन में जो काम करती है वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स की ही है, जिनके लिए फिलहाल ये मैंडेटरी कर दिया गया है ये टेस्ट जो है। इसके अलावा 20 से 23% जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सीएस, बैंकर्स एंड एटसेट्रा। सो दीज आर दी फैक्ट्स हियर। तो आपकी क्या राय है इस प्रोफेशनल टेस्ट को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी के बैच को एनरोल करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी बैच के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हैं इस कॉस्ट पर विद माय कोड NDLIVE10। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑफर केवल 10 जून तक है, 15 जून से बैचेस शुरू हो जाएंगे। सिर्फ सीसेट से आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं मेरे कोड से NDLIVE10 से। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जो अग्निपथ बैच है वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं, और अभी जो कॉम्बो बैच हमारा आया है वहां पर आपको एनसीईआरटी, सीसैट और जीएस कंप्लीट टेस्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, तो आप वो भी एनरोल कर सकते हैं। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर हियर। इसके अलावा हिंदी मीडियम बैच आपका 15 जुलाई से शुरू होगा, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLIVE10। परस्पेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको फिल करना है अपनी क्वेरीज के साथ। विल रीच आउट टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है टू गेट अपडेट्स अबाउट ऑल दी बैचेस, टाइमिंग्स, कोर्सेज एक्सेट्रा। हमें रीच आउट करने के लिए अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए एक फॉर्म को फिल करना होगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। Thank you so much. God bless. Take care.